قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته فيعطى فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے, کوئی حق مارا ہے, وہ اس سے معافی تلافی کر لے, صفایا کر لے, لین دین صحیح کر لے, کیونکہ قیامت میں دینار و درہم نہیں ہوں گے تو دنیا میں یہ معاملہ صاف ہو جائے. آخرت میں اگر کسی پر ظلم زیادتی ہے تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر فریق مخالف کی غلطیاں اور گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں اسی طرح کی بات وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے ارشاد عرض فرمایا, عرض کیا کہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوتا ہے, پیسہ کوڑا نہیں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے تھے کہ ایک مفہوم کو دنیا بھی پس منظر سے ہٹا کر آخرت کے پس منظر میں آپ پھیر دیتے تھے, منتقل فرما دیتے. فرمایا کہ یہ مفلس نہیں, بلکہ مفلس وہ ہے قیامت میں آئے گا, نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اہل حقوق, کیونکہ کسی کو مارا ہوگا, ضرب هذا وقذف هذا, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, اکل مال هذا, تو مختلف طرح کے ظلم کیے ہوں گے, تو سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. پھر اس کی نیکیاں ختم ہونے کے بعد ان کی غلطیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو مفہوم تو وہی رہا, لیکن دنیاوی مفہوم کے بجائے آخرت کا ہو گیا کہ وہ مفلس اسی کو کہتے ہیں کہ جو پہلے مالدار تھا اور پھر وہ ڈوب گیا قرض میں, سب ختم ہو گیا اس کا, بلکہ اس کے خلاف قرضہ ہو گیا. تو یہ دنیاوی مفہوم ہے, اور آخرت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نیکیاں لے کر آیا لیکن سب ڈوب گیا مال, اور پھر اس کے خلاف گناہ کا انبار ہو گیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا گیا. تو خاص طور سے معاملات کا معاملہ بڑا حساس ہے, اس میں شفافیت ہونا چاہیے, یعنی صفائی, کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے معاملات میں, تجارت میں, لین دین میں. ایک ایک پائی کا, ایک ایک روپیے کا حساب آدمی کا برابر سرابر ہونا چاہیے. کسی کو قرض دیا ہے, قرض لیا ہے,
तो उसको वक्त पर लौटा देना और सही पूरा पूरा लौटाना। और इसके सिलसिले में तो कुरान मजीद में पूरी एक आयत है, सबसे बड़ी आयत है वो आयतुल मुदायना, तकरीबन एक पेज की आयत है वो एक कि अगर कर्ज का लेन देन हो तो उसको लिख लो, वक्त मुतय्यना लिखो कि कब तक के लिए कर्ज लिया है और जो कर्ज लेने वाला है वो लिखवा है हाँ मुझे इनके पैसे अदा करना है उस वक्त तक अदा करना है, और उस पर गवाह भी बनाओ। एक मर्द दो मर्दों को या एक मर्द और दो औरतों को, पूरी तफसील उसकी बताई गई है, आप जाके देख सकते हैं तीसरे पारे में सूरह बकरा का सेकंड लास्ट रुकू आयतुल मुदायना के नाम से, आप पढ़िए उसको, आपको मालूम होगा कुरान ने मामलात के बारे में कितनी अहमियत दी है और लोगों को कितना एहसास बनाया है कि एक एक बारीकी को अल्लाह फरमाता है कि ये इंसाफ के ज़्यादा करीब है, वरना लोग भूल जाते हैं, अच्छा हाँ कर्ज इतना लिया था, नहीं नहीं इतना लिया था, नहीं वो तो हमने दे दिया था, तो इसमें बड़ा शक व शुबा होता है, तो मामलात का मामला बड़ा नाजुक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वाक़ मशहूर है और उलमा ने उसको सही कहा है सनद के एतबार से कि किसी शख्स के बारे में गवाही दी किसी ने कि हाँ ये आदमी ठीक है मैं जानता हूँ इसको, तो आपने उनसे पूछा कि कैसे जानते हो, तो क्या तुमने इसके साथ सफ़र किया है, तो तुम्हें उसके रात दिन का इल्म हो गया हो कि कैसे मामूलात हैं इसके, सफ़र में आदमी का कच्चा चिट्टा सामने आ जाता है उसके अखलाक मिजाज का नहीं, तो कहा कि क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है जिसकी वजह से तुम इसको पहचान जाओ, पड़ोस की भी आदमी सारी आदतें पहचान लेता है और कितने पानी में नाप सकता है दीनी अखबार से अखलाकी अखबार से, कहा कि नहीं, तो कहा कि फिर कभी मामला किया इससे दीनार और दिरहम का, कोई उधार सुधार हुआ हो कि उसका क्या बंदे अमल रहा रिस्पॉन्स रहा, तो कहा कि नहीं ये भी नहीं की, और मैं तुमने शायद देखा होगा इसको ऊपर नीचे होता हुआ यानी नवाफिल पढ़ रहा होगा खूब जम जम के लंबे लंबे सजदे करते हुए देखा होगा, इसीलिए कह दिया कि आदमी बढ़िया है इससे काफ़ी नहीं, सजदे भी लंबे हो सकते हैं रुकू भी हो सकता है लंबा, लेकिन बढ़िया आदमी होना है ज़रूरी नहीं उसका, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पड़ोसी के साथ कैसा मामला करता है, रफीक के साथ कैसा मामला करता है, अपने मोहल्ला वाले के साथ कैसा मामला करता है, तब उसको सही कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इबादत तो बहुत आला होती है लेकिन मामला में कच्चे होते हैं, बस खा के बैठ गए इनकार कर दिया, तो ये सारी बातें होना चाहिए, इसमें हमारी तिजारत में शफाफियत होना चाहिए यानी ट्रांसपेरेंटी, बिल्कुल कोई चीज़ छुपी ना रहे ऐसा मामला होना चाहिए, जैसा हदीसों में साफ साफ आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए एक ताजिर ने ढेर लगा रखा था गल्ले का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसके गल्ले में हाथ डाला अंदर उसका माल चेक करने के लिए, तो अंदर जो है गीला माल था, ऊपर से सूखा बेहतरीन लगा रखा अंदर गीला आया, तो कहा माँ साहिब काम, अरे सेठ जी गल्ले वाले भाई क्या ये क्या चीज़ है, तो कहा कि वो बारिश लग गई थी हजरत उसमें गीला हो गया, तो कहा कि अकला जान करूँ फो इसको ऊपर क्यों नहीं दिखा दिया, फिर ऊपर ऊपर तो अच्छा माल लगा दिया अंदर से,
जो धोखा दे, मिलावट करे मुसलमानों के साथ पे, ऐसा खोट करे हमें से नहीं, हमें से नहीं। और एक दूसरी रिवायत में इस तरह से है कि ऊपर ऊपर जयीद माल, उम्दा माल, और अंदर अंदर रद्दी माल। तो फिर आपने तंबी की, कहा कि इसको अलग बेचो और इसको अलग बेचो, मतलब इसका भाव दूसरा होगा, पूरा उसको वाजे कर लो एक ही तरह का माल, और इसका भाव दूसरा होगा, क्योंकि वो मिलावट करके और लोगों को धोखा दे करके काम कर रहे हो। इतना हम लोगों का अगर देखा जाए तो चीज की थर्ड क्वालिटी की दे देते हैं हम लोग, और जाहिर करते दूध वाले, और भी आजकल तो कोई चीज आप बाजार में खरीदे तो भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि हम खुद भी वैसा ही करते हैं। तो वो तो मामला ऐसा ही है कि वो सब लोग पानी भर देते हैं जा करके, और कहा गया था दूध डालना, तो सब ने कह दिया कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, तो मेरे पानी डालने से क्या होगा साहब। तो पता चला वो तो पानी पानी था, क्योंकि तो सब ने वही सोचा कि मैं पानी डालूंगा सब दूध डालेंगे। तो जब तुम पानी डाल रहे हो तो दूसरा तो तुमसे भी कह रहा गुजरा होगा, तो क्या आदमी को अपने ऊपर प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कुरान में ये भी एक नफ्सियाती बात बताई जाती है कि दूसरे के लिए कहा जाता है अपने भाई के साथ ऐसा ना करो, तो उसमें कहा जाता है अपनी जात के साथ ऐसा ना करो, ये कहा जाता है, क्योंकि तुम उसके साथ करोगे तो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे साथ हो रहा है। इसी को ये भी कहा है हदीस शरीफ में कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है, मोमिन नहीं हो सकता। तो हमारे इस्लाम में बड़े नमूने इसमें वो छोड़े हैं अपने आइडियल, कि उनकी तकलीफ करना चाहिए। यूनुस बिन उबैद एक बुजुर्ग हैं, उनका वाकया देखा, उनके कपड़े की तिजारत करते थे वो, तो दो तरह का माल था उनका, एक की कीमत 400 दिरहम थी, वो अच्छा जोड़ा था, और एक की 200 दिरहम थी, थोड़ा कमतर माल था वो। तो नमाज का टाइम हो गया तो वो नमाज पढ़ने चले गए और अपने भतीजे को नायब बना दिया कि तुम शायद नमाज पढ़ चुके होंगे या कुछ तरतीब बना ली होगी, बाद में पढ़ लेंगे। तो कहा तुम दुकान पर बैठो, में वो नमाज पढ़ के आ रहे थे तो एक आदमी कोई माल लेके जा रहा था, कपड़ा जोड़ा, तो समझते मेरी दुकान का माल है। तो उससे पूछा कि ये तुमने कितने का खरीदा है, तो कहने लगे 400 दिरहम का। तो कहने लगे वो समझ के ये तो 200 वाला है, 200 वाला है नहीं, उसको नहीं मालूम था ये बारीकी, वो समझा है एक ही कीमत वाला होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ये 200 दिरहम का है, ये 400 में मेरी ही दुकान है, वो जहाँ से तुम लाए हो, तुम्हें मेरे भतीजे ने गलत माल दे दिया है, ज़्यादा कीमत ले ली है। तो कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारे इलाके में तो 500 में मिलता है, मुझे तो पसंद है। तो वो दही सूद गवा चौस्त वाली बात, तो कहने लगे नहीं भैया, मलगशा जो धोखा दे दूसरों को वो मुसलमानों में से नहीं, चलो चलो तुम, मैं तो सही दिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे यहाँ मिलता होगा सब, तुम्हारे यहाँ फरार करते होंगे ऐसा, हम थोड़ी करेंगे। फिर जाकर के कहा, पहले अपने भतीजे की अच्छी क्लास ली उन्होंने, तुम्हें चल नहीं आती, दोनों माल एक जैसा लगा तुम्हें, तो ये ऐसा क्यों किया तुमने उसके साथ, बहुत डांटा। फिर सही उसका हिसाब व किताब सही करवाया। तो आजकल आप देखिए कि कर्ज के मामले होते हैं, कितने ताल्लुकात सफल होते हैं। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कल हमने अर्ज किया था ये वाक़या, कि एक ज़माना था कि अमानत
भी वो मामला कर लेता था, मुझे डर नहीं होता था। अगर मुसलमान है तो उसका दीन लाएगा, वो हक अदा करेगा। ऐसा आपका ये एक रुपया रह गया था, ये आपका एक रुपया नहीं थी। और अगर यहूदी नसरानी है तो उसका जो मुसलमान जिम्मेदार है वो मैं उससे कहूँगा, वो उसका कान पकड़ करके लाएगा और वो अदा करेगा। लेकिन आज तो मुझे भरोसा ही नहीं है कि मैं मामला करूँ और इसको उधार दे दूंगा तो ये देगा क्या, नहीं तो भाग ही जाएगा। एक बंदा है भाग जाएगा वो, तो सारी चीज कीमत हमारे पास पैसा गलत होता है उसको छुपा करके दे देते हैं, चिपका करके ऐसा करके यूँ करके दे देते ताकि देखे हैं। हदीस शरीफ में क्या फरमाया, मालूम ये तफर्रुका कि खरीदो फरोख्त करने वाले को इख्तियार है जब तक जुदा ना हो अपनी जगह से, जुदा ना हो तो वापस ना कर सकते हैं। इसको ख्याल मजलिस कहते हैं, तो कहा कि इसके नाम है दुकान, आपकी दुकान पे एक आदमी आया, कपड़े की दुकान है या और कोई आला चीज़ें हैं कीमती चीज़ें, उसने खरीदा और भाव हो गया 1,000 रुपये में, पैसा भी दे दिया, अभी वो दुकान ही पे है। तो फिर उसको थोड़ी देर से समझ में आ रहा है, कोई आया यार ये मैंने इतने में खरीदा, तो उसने मशवरा दिया कि ये तो सही नहीं लगता है, उसको खुद समझ में आ गया कोई भी हो। फिर वो कहता है कि क्या हम नहीं लेंगे, हमारे पैसा दे दो। तो हदीस में ये बताया गया है कि जब तक जुदा ना हो उस जगह से उनको इख्तियार है, चाहे बेचने वाला कह दे कि यार मैंने सस्ते में दे दिया तुम वापस कर दो, चाहे खरीदने वाला कह दे कि यार मुझे महंगा लग रहा है तो मेरा पैसा वापस दे दो, मान ले लो, तो इसको ख़ियार मजलिस कहते हैं। और अक्सर फुकहाए किराम के नज़दीक ये वाजिब है, सिवाय हम लोगों के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वाजिब नहीं है। लेकिन राजे कौन दूसरे इमाम किराम का है, यहाँ पर इमाम अबू हनीफा के अलावा हदीस के मुताबिक वाजिब है, जब तक मजलिस ना बदले तो सोचने का मौका है वो वापस करें। हदीस शरीफ वाजे है, इसलिए दूसरे आइमा का मसलक राजे हैं, मजलिस नहीं बदले उनको वापस कर देना चाहिए मामला। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खरीदो फरोख्त करने वाले दोनों को इख्तियार है जब तक मजलिस जुदा ना हो। और फिर आगे फरमाया आपने, उससे मुझे इस्तिदलाल है कि तो बात करें कि अगर दोनों खरीदने वाले बेचने वाले सदाका सच बोल रहे हैं, वो बयाना और बयान कर दे रहे हैं, क्या बयान करेंगे, बेचने वाला बयान करते यार ये जो है पुराना माल है यार थोड़ा इसमें फकून आ गई है देख लेना, तो कहते यार ये इसमें देखो छेद हो गया है, बेचारा वो देख तो नहीं पाएगा, वो कहें वो दूर करके देखेगा तो भी उस पर नहीं दिखेगा, आपको तो मालूम है इसमें एक छेद है, तो बता दो कि साहब ये देखो इसमें एक सुराख हो गया है, तो आपको पसंद हो तो लीजिए, इतनी कीमत कम कर रहे हो, सच बोले और बयान कर दे। ये क्या बयान करेगा खरीदने वाला, का अच्छा नोट अगर फटा हुआ है तो मुँह करके दे खोल के देख लीजिए साहब, मुँह छुपा करके दे दे, हाँ चलो चलो भागो। अगर आपके नोट में कमी है, कोई भी कमी है तो साहब ये देखो साहब इतना फटा हुआ है, आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, बाद में देखेंगे दूसरा नोट लेते हैं। तो अगर वो सच बोलते हैं और सच बोलने का तब ये हम इतने में बेचेंगे, इतने में हमने खरीदा था, अगर बताना है तो बताओ, नहीं तो झूठ ना बोलो, अरे यार इतने में खरीदा था इतना ही तो ले रहे हैं हम, बिल्कुल झूठ बोलो कि नहीं खरीदी हूँ भाव में ले रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं, अरे कम करते करते उनसे कहो ना, तो कहते हैं आप आपको तो खरीद ही रेट मिल रहे हैं, तो हम पागल है जो मान जाएंगे आपको, यहाँ क्यों बैठे हैं, तो कहते थे हम उनको खरीद ही रहते हैं। तो सच बोलें और बयान कर देते हैं तो बुरी का की बैठी ही माँ, क्योंकि खरीदो फरोख्त में बरकत देता अल्लाह ताला, और अगर झूठ बोलते हैं और छुपाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बरकत मिटा देता है। तो कुरान में बकायदा अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह
फरमाया है तराजू उतारी, तराजू में कमी ज्यादती ना करो, सीधी तराजू से तोलो। वाफुल कहिला वतीजान बिलकिस, पूरा नापो पूरा तोलो। जाली का खैर देखे फरमाया ऐसी नाप तोल कि ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, अंजाम भी अच्छा होगा। और अंजाम अच्छा होगा के दो मतलब, दुनिया में भी तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा, इसलिए कि उस तारीफ का भरोसा होगा, सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी तिजारत चलेगी। अगर चे कम बेनिफिट ले रहे हो लेकिन माल अच्छा दे रहे हो ना, तो अभी चाहे एक साल तक तुम्हें इंतजार करना पड़े, एक साल के बाद तुम्हारी दुकान देखना चमक जाएगी और आखिरत का अंजाम भी अच्छा होगा। और नाप तोल में डंडी मारो है ना, तो अभी एक साल तक हो सकता है बेनिफिट मिल जाए, लेकिन एक साल ही में तुम्हारा सब कच्चा चिट्टा लोगों को मालूम हो जाए कि जाना नहीं, नाप तोल में कमी करता है और आखिरत का अंजाम भी बुरा होगा। ये बेहतर है और अंजाम के पास से ज्यादा अच्छा है, सही नापना सही तोड़ना। तो यही बात इस्लाम ने शफाफियत बताया, साफ सुथरा अपना मामला होना चाहिए, लेन देन का, खरीदो फरोख्त का, नौकरी का, पेशे का, कितनी नौकरी कर रहे हैं आप, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। बहुत सारे उलमाए किराम के बारे में या अच्छे लोगों के बारे में कि अगर एक घंटा उन्होंने नहीं पढ़ाया तो वो उसकी तनख्वाह नहीं लेते थे, हिसाब हमारा एक घंटा छूट गया अब इसकी तनख्वाह लेना जायज नहीं है हमारे लिए, आप हमारी इतनी तनख्वाह काट लीजिए, खुद कहते थे काट लीजिए, किसी ने देखा नहीं थे उससे हमारी, हमने तो देखा है, हमें तो याद है एक घंटे की तनख्वाह हर चीज़ में होता है। इनसे आप नौकर पेशा है तो उसमें भी लेन देन ऐसा तो नहीं कि आपने कितनी सर्विस दी और कितना पैसा लिया है। बहरहाल ये हमें अपना मामला सही रखना चाहिए हर एतबार से, तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है और लोगों के नज़दीक की ईमेल अच्छी रहती है, भरोसा रहता है, अमानतदारी भी है उसने मामला भी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे मौलाना फरीद साहब हैं, बांसकेड़ा का मदरसा है इनका, अपने मशहूर मदरसा है अपने इलाके में, और वो क़याम ताम के अलावा भी हैं, नगर से इलाहा है इसका, हम लोग देखते रहते हैं मदरसे। मौलाना शेख अबरार साहब सरपरस्त हम लोग के नायक हैं, उनका ताबुन फरमाए जो भी हो। आखिर बता रहा हूँ तो बिक जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोगों को भरोसा होगा। हमने एक सीट की दुकान से माल खरीदा, उस पर लिफाफे पे लिखा हुआ था कि अगर सामान पसंद नहीं आए तो 15 दिन के अंदर अंदर आप ले आइए, 15 दिन का वक्त दे रहा था, यहाँ तो मजलिसी की बात है। उसने सिख की दुकान थी, लिफाफे में लिख रखा था उसने जिस पे पैक करके दिया था कि अगर आपको सामान पसंद नहीं आए 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि बड़ा शहर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप चले जाएंगे या फिर कल थोड़ी आएंगे, हो सकता है अगला चक्कर आपका एक हफ्ते बाद हो, तो आप खर्च करके 500 रुपये किराया दे करके तो अगले चक्कर में जब आएँ तो इसने बस आप सामान वैसा का वैसा ही रखिए कोई, तो यहाँ तो मजलिस से तो थाने से काट दिया, तब भी दूसरा आएगा किराया के इंशा। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله فإنه ليس ثم دينار ولا درهم فإنه من قبل أن يؤخذ من حسناته لأخيه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمے उसके भाई का कोई हक है जो मारा गया है
जो उसने उसका हक छीना है, उस पर जुल्म किया है, तो वो माफ़ी तलाफी कर ले कबल इसके के क़यामत में वो वक्त आए कि दीनार और दिरहम नहीं होंगे। तो अगर उसके पास नेकियां होंगी तो उसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएंगी जिस पर जुल्म किया था, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसकी गलतियां और बुराइयां इसके ऊपर डाल दी जाएंगी। कल हुस्न अखलाक के बारे में हमने रोशनी डाली थी। इस्लाम हुस्न अखलाक सिखाता है और हुस्न मुआमला भी सिखाता है कि मुआमला साफ सुथरे होना चाहिए। जो हमारा मुआमला और लेन देन है, कर्ज है, मीरास की तकसीम है, तो ये जो मुआमलात हैं इनमें शफाफियत होना चाहिए, कोई छोल नहीं होना चाहिए, नापतोल में कमी नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम की अहम तालीमात में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने नापतोल के बारे में फरमाया वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, के नाप और तोल को पूरे इंसाफ के साथ करो। एक जगह फरमाया वज़ीनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका ख़ैरु व अहसनु तअवीला, कि सीधी तराजू से तोलो, ये बेहतर है अंजाम के एतबार से, ज़्यादा अच्छा है, यानी ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा एकदम, लेकिन नतीजा अच्छा होगा। और अगर नाप तोल में डंडी मारोगे, तराजू को आगे पीछे कर दोगे, ऊंचा नीचा कर दोगे, तो एकदम फ़ायदा ज़रा सा मिल जाएगा फौरी तौर पर, लेकिन अंजाम अच्छा नहीं होगा, दुनिया भी अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अंजाम के एतबार से ये ज़्यादा बेहतर है सीधी तराजू से तोलो, दुनिया में भी लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे और फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ अच्छा मामला फरमाएगा। तो मामला करने में हमें बहुत ज़्यादा हसास होना चाहिए। मामले ही से आदमी का जौहर और असलियत पता चलती है, वरना तो बहुत दीनदार मालूम होते हैं लोग, बहुत नमाजी, परहेजगार और पूरी ज़ाहिरी शक्लें सारी मौजूद होती हैं, बातचीत करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और सलाम दुआ में और अखलाक में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन जब कोई आप उनसे मामला कर लीजिए, कोई सौदा कर लीजिए, तो बस आपका पैसा डूब गया। बस तो ये बहुत ही बुरी आदत है और ये आखिरत में खसारे का बाइस बनेगी। ये चीज़, ये सारी चीज़ें खसारे का बाइस बनेगी। एक शख्स के बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया आता है कि गवाही मतलूब हुई उस शख्स के बारे में, तो उस किसी ने आकर के गवाही दे दी कि हाँ ये अमानतदार आदमी। तो आपने उनसे पूछा कि तुम इनके बारे में गवाही दे रहे हो, अमानतदार हैं, दीनदार हैं, तो शायद तुम इसको जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। क्या तुम्हारा कोई इससे कोई ताल्लुक हुआ है, सफ़र कभी किया है इनके साथ? तो कहा कि मेरा सफ़र नहीं हुआ है। कि सफ़र से तो आदमी के दिन रात सामने आ जाते हैं, क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है जिससे तुम पहचान सको इसको कि कैसा शख्स है ये? तो कहा पड़ोसी भी नहीं। तो कहा ये तुम्हारा दीनार दिरहम से कोई मामला हुआ है इनसे कि तुम इसके लेन देन से वाकिफ हो कि ये खरा आदमी? तो कहा नहीं। तो कहा फिर तुम नहीं पहचानते हो, शायद तुमने इसको ऊंचा नीचे होता हुआ देखा होगा, सब ऊपर नीचे कर रहा है और सजदे में जा रहा है, रुकू में जा रहा है, और देखा होगा, इससे तुम धोखा खा गए। तो ज़रूरी नहीं है कि इबादत गुजार भी है और मामलात का खरा भी है। मामलात में खरा होना, मिलावट कर देते हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग मिलावट कर देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ढेर के पास से गुजरे, गल्ले का ढेर था, तो आपने कहा कि कैसे बेचते हो?
फिर अंदर हाथ डाला उसने, तो अंदर हाथ डाला तो अंदर गीला गल्ला निकला, अनाज गीला है, ऊपर से सूखा सूखा लगा रहा था बढ़िया मान। तो कहा महा गाया साठ बत्ताम, अरे सेठ जी ये क्या कर रखा आपने? तो कहा साबत उस समाओ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसमें बारिश हो गई थी। तो कहा ठीक है बारिश हो गई थी तो इसको ऊपर जाहिर कर देते ताकि एक पता चल जाता। तो मन गशना फलई समीना, जो मिलावट करे और धोखा दे इस तरीके से वो हम में से नहीं है। इस तरह से तो अक्सर लोग करते हैं कि अच्छा अच्छा माल दिखा देते हैं और बीच में या पीछे बुरा माल लगा देते हैं, तो वो ताकि सब लोग धोखे में आ जाए। तो इस्लाम ने कहा कि फरमाया कि अलबैयान बिल खियार, सौदा करने वाले खरीदो फरोख करने वाले को इख्तियार है कि मालम या तफर्रका, जब तक वो जुदा ना हो मजलिस से हटे नहीं, उनको इख्तियार है चाहे वापस कर दें सौदा। और फरमाया फिंसदा का वैयना, खरीदो फरोख करने वाले सच बोलते हैं और बयान कर देते हैं तो बरकत होती है, और अगर वो छुपाते हैं झूठ बोलते हैं तो बरकत नहीं होती है। कोई नोट भी है तो नोट छुपा करके दे देते हैं लोग, बयान कर दो जो भी चीज़ें कि माल में ये कमी है सर, हमारे माल में हमारे नोट में ये कमी है, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। दूध में पानी मिलाना, कोई भी काम करना। एक वाकया नकली किया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत सही नहीं है कि वो पुराने किसी जमा किसी का वाकया शायद इसराइली लोगों से सुना हो, उन्होंने काबा अखबार से सुना होगा हजरत अबू हुरैरा ने। काबा अखबार पहले यहूदी थे ना, फिर बाद में मुसलमान हो गए थे, तो उनके यहाँ मशहूर होगा वो वाकया। तो ज़रूरी नहीं है सच्चा होना, लेकिन यकीन नहीं कर सकते। तो एक शख्स था वो दूध में पानी मिलाता था, वो शराब में, उस उनके यहाँ शराब जायज़ रही होगी, तो शराब में पानी मिलाता था। तो कश्ती में बैठा हुआ था वो, कश्ती में उसके बंदर भी था उसका, और वो शराब बेचता था कश्ती में भी बेचता था। तो वो पैसों की थैली लेकर के वो ऊपर चला गया बंदर, और ऊपर बैठ गया और एक सिक्का उसके पास डालता, एक सिक्का दरिया में डालता, एक सिक्का इसमें डालता, एक सिक्का दरिया में डालता, आधा आधा कर दिया। तो जितना पानी मिलाया था उसने बराबर कर दिया, इतना माल तुम्हारा हलाल है इतना हराम है, बंदर ने सही तकसीम कर दी। तो ये वाकई आप पढ़ा है, रिवायत में आया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, हदीस के बाद से नहीं बयान करेंगे। तो मामला बहरहाल मामला की शफाफियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप मामला करते थे, आप यहूदी के पास ज़िरा रख कर के गिरवी ज़िरा रखी आपने, और आपने अनाज लिया या कोई कुछ वसा जो लिए थे आपने, इंतकाल हुआ तो वो गिरवी थी आपकी, ज़िरा गिरवी रखने की क्या ज़रूरत थी? आप सहाबा को कहते तो वो कुर्बान हो जाते आपके ऊपर, लेकिन शायद इसलिए नहीं किया कि ये लोग पैसे वैसे लेने में कमी कर देंगे, हमसे मुतालबा नहीं करेंगे, तो आपने यहूदी से मामला किया गिरवी रख करके अपना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सादिकुल अमीन की ज़िंदगी हमारे सामने है कि अमानतदार और सच्चा, तो वैसा ही हमें भी खड़ा होना चाहिए। कर्ज ले लिया लोगों का, अदा ही नहीं कर, तो फरमाया गया कि आखिरत में फिर अदा करना पड़ेगा, अपनी नेकियों में से देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल ये सब हुकूक की अदायगी बड़े उसके साथ होना चाहिए, जिम्मेदारी के एहसास के साथ होना चाहिए। इबादत से भी ज़्यादा इसमें आदमी को हसास होना चाहिए, इसलिए कि इबादत अल्लाह तबारक व तआला का हक है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत की शान रखते हैं, और ये बंदों के हुकूक हैं, बंदों के अंदर तंगी होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में कह देंगे भाई समझ लो तुम, और मौका देंगे बदला लेने का, और जैसा कि हदीस में आया जो भी हमने आपके सामने पढ़ी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारे मामला साफ़ सुथरे हों। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।